तीन बहनों के बाद मुझे निकाल दिया. इतने प्रेशर में जी हैं, जब देखो बहनों की शादी, बहनों की शादी, बहनों की शादी. मुझे तो कभी कभी डर लगता है मेरी एक एक बहन छह छह शादियां करेगी क्या. गरीबी की रेखा क्या इस पार रहा हूँ या थोड़ा सा इस पार आ जाता था, जरा सा इस पार आता था मेरा बाप सामने जा जाता था. बहनों की शादी करनी, मैंने कहा जा रहा हूँ यार इस पार, यही रहता हूँ मैं. और क्या हाल है भाई, सब ठीक हो? बढ़िया ही हो गए. माय नेम इज हर्ष गुजराल. और सब ठीक है मैडम? आप लोग, आप कपल हो आप लोग? अरे मॉम है आपकी? ओह, ये तो तुम्हारी बुराई होगी फिर. आप लोग कपल लग रहे हो भाई साहब, आप तो बहुत ही घोरे चिट्टे हो भाई साहब. नहीं कपल तो ठीक है, नोएडा में सेफ नहीं हो आप. यहाँ पे यहाँ कुछ लोग रंग के चक्कर में ही पागल हैं, उनसे पूछो ना स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ना ना ना, रंग गोरा होना चाहिए बस. बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ जब ये रिश्ता लेके आई होंगी आपके लिए, इनकी मम्मी ने पूछा होगा आपका बेटा क्या करता है. हमारा बेटा दशहरे में सीता बनता है. तीन तीन दिन से रावण वापस करके नहीं जा रहा. आपकी बेटी क्या करती है? हमारी बेटी उसी दशहरे में मेघनाथ बन रही है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा. मैं ना तीन महीनों के बाद पैदा हुआ, मैं इसीलिए इस टाइप का हूँ. हाँ, तीन महीनों के बाद अगर आप पैदा होते हो ना तो मतलब काफी प्रेशर होता है घर में, लेडीज बहुत ज्यादा हो जाती है. माँ हो गई तब दादी भी हुआ करती थी. हाँ लेकिन बहुत ज्यादा होते हैं मतलब. हाँ सही में, मतलब उसके मतलब क्या होता है ना, टीवी जो होता है ना उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता आपको, है? क्योंकि घर की जो औरतें हैं ना, इनको कलेश देखना है टीवी पे. इनको दिन भर करना कलेश है, और रात को जिस चैनल पे रोना चल रहा होता है ना, ये पहुंच जाती है वहां पे और रोने लगती है. आपको पता है, आपको पता होगा आंटी जी. नहीं ये नहीं कलेश वाली बात नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ, कलेश तो बैठा हुआ आपके बगल में, ऐसी कोई बात नहीं. मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पता है सारी औरतें इंडिया की कलेक्टिवली कब रोई थी एक साथ टीवी देख के? अरे देखो मिहिर मरा था, मिहिर मरा था भाई साहब, सारी रो रही थी. और हम छोटे थे उस समय, हमें तो पता भी नहीं था. हम स्कूल से घर पहुंचे, मम्मी खाना खाना, घर पे मातम मना हुआ है, सारी औरतें आए, चला गया चला गया चला गया चला गया चला गया. मैंने कहा मम्मी क्या हो गया? कह रही बेटा सब खत्म हो चुका है. मैंने इधर उधर देखा, मैंने कहा पापा कहाँ है? कह रही वो तो सब्जी लेने गए. मैंने कहा फिर सब कैसे खत्म हो गए, हमारा वाला तो ठीक चल रहा है. भाई साहब कह रही है मिहिर मर जाएगा 11 बजे रात को. मैंने कहा कौन मिहिर? कह रही तुलसी का पति. मैंने कहा कौन तुलसी? कह रही बा की बहू. मैं तेरी बा का कौन बा? पूरा दिन हमारे घर में खाना ही नहीं बना दुख के चक्कर में, दुख का माहौल. हम गैस ना बन जाए इसलिए सरसों का तेल डाल के ढूंढने में काम चला रहे हैं. यहाँ हमने लॉन्ग रखी हुई है. रात को जब 11 बजे शोर सुनाई दिया ना, तब मुझे पता लगा टीवी पे, ओहो ये मर चुका है भाई. उस समय हमारा कुत्ता रो रहा है. मेरी माँ कह रही इसको मिहिर दिखाई दे रहा है, मैं तो पागल हो गई हूँ क्या? 16 घंटे से भूखा इसलिए रो रहा है वो. अगले दिन सुबह उठे भाई साहब, रात भर भूखे सो रहे हैं. अगले दिन सुबह उठे, मैंने कहा मम्मी नाश्ता. कह रही तुझे भूख भी कैसे लग सकती है? मैंने कहा क्यों? कह रहे तूने कभी सोचा आगे चल के तुलसी का क्या होगा? वो दिन है और आज का दिन है, मैंने बीटेक कर ली, मैंने एमबीए कर ली, मेरी नौकरी नहीं लगी, बिना डिग्री के एजुकेशन मिनिस्टर बन के बैठी हुई है. उसको हमारा ध्यान रखना चाहिए. और वो मिहिर जिसके चक्कर में एक दिन का व्रत रखा था, वो ऑल्ट बालाजी में सेडक्टिव सीन्स करने में लगा हुआ है. आप लोग रियलिटी शोज देखते हो? रियलिटी शोज देखते हो? छोड़ दो, क्योंकि रियलिटी शोज सार्वजनिक चूतिया काट रहे हैं सबका. हाँ क्योंकि देखो इंडिया में इतना गरीब है नहीं जितना डांस इंडिया डांस के एक सीजन में आ रहा है. भाई साहब कितनी भज्जर गरीबी आ रही है उसमें. आप भाई साहब आपने देखी है? आपने तो रिलेट भी करी होगी मुझे लग रहा है. मुझे पता शक्ल सब कुछ नहीं होती, दिल अच्छा होना चाहिए. मुंह बेंचो लौंडे का गिलहरी जैसा हो, कोई दिक्कत नहीं है. भाई कितनी गरीबी आ रही है यार उसमें, भज्जर गरीबी यार. और आपके पेरेंट्स उसको देख के इमोशनल होते हैं? मैम आप देख के इमोशनल होते हो? मेरी माँ तो मुझे पीछे से मुक्के मारने लगती है, बहुत मुक्के मारती कि देख वो कितना गरीब है. उसके फादर रिक्शा चलाते हैं, वो कहां से कहां तक पहुंच गया. अरे उसके पापा लेके गए होंगे वहां से वहां तक रिक्शे को.
ऐसे कैसे पहुंच गया? हमारे बाप भी तो वकील हैं, हम दो बार जेल जा चुके, आपने तो अभी तारीफ नहीं करी कि पापा के काम में हाथ बटा रहा है, उनको बिजनेस ला के दे रहा है। भाई साहब जलील कर रहे हैं, सुबह सुबह रिपीट टेलीकास्ट में मेरा बाप मुझे जलील कर रहा है, मैं नाश्ता करने ही जा रहा हूँ, कह रहे वो देखो कितने गरीब है, तुम्हें सारे ऐशो आराम दे रखे, ऐशो आराम पराठे के साथ सॉस खा रहा हूँ मैं, लक्ष्मी नगर के ट्रिपल शेयरिंग पीजी में इससे अच्छा खाना मिलता है, समझ में आई? कौन से ऐशो आराम की बात कर रहे हैं भाई आदमी, कौन से ऐशो? तीन बहनों के बाद मुझे निकाल दिया, इतने प्रेशर में जिए हैं, जब देखो बहनों की शादी, बहनों की शादी, बहनों की शादी, मुझे तो कभी कभी डर लगता है मेरी एक एक बहन छह छह शादियां करेगी क्या? गरीबी की रेखा क्या इस पार रहा हूं या थोड़ा सा इस पार आ जाता था, जरा सा इस पार आता था मेरा बाप सामने जा जाता था, बहनों की शादी करनी, मैंने कहा जा रहा हूं यार उस पार, यही रहता हूं मैं। कौन से ऐशो आराम की बात कर रहे हैं लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है ये मिडिल क्लास पेरेंट्स को सबको इकट्ठे बिठाओ और मेरे से फेस टू फेस बात करो, कौन से आश्रम की बात करते हो तुम लोग? मैंने अपने बाप से बचपन में साइकिल मांगी, इस आदमी ने मना कर दिया, मैंने कहा क्यों कह रहे, तुम बिगड़ जाओगे, साइकिल पे बैठो, मैंने चरस की तस्करी करनी है? आप बताओ मोहल्ले का कौन सा वो लौंडा है जो साइकिल के टायर के बगल में छुच्ची के बगल में बैठा कि छुच्ची खुलेगी हवा की, मजा आ गया, क्या छुच्ची थी, कौन है वो लौंडे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन से हैं वो लौंडे। आपने सुना कभी मोहल्ले में दो अंकल आपस बात कर रहे हैं, आपको पता लगा गुजराल साहब के लड़के के बारे में, सुना है साइकिल चलाते हुए पकड़ा गया? वो दूसरे वाला भी गधा जवाब दे रहा, हमने तो एक दिन रंगे हाथों पकड़ लिया था, हवा भरवा रहा था। मतलब मुझे समझ नहीं आता यार ये कौन सी बातें कर रहे हैं। मैंने इस आदमी से बचपन में बोला कि पापा मुझे मेला दिखाने ले चलो, इस आदमी ने मुंह पे मना कर दिया मेरे को, कह रहे क्यों जाना मेला, मैंने कहा मुझे वो फूंक मार के जो बुलबुले निकलते हैं वो बहुत अच्छा लगता है पापा, इस आदमी ने मुझे घर में निर्मा घोल दिया और पता नहीं कौन सा यंत्र दिया, मैंने फूंक मारी वो अंदर ही चला गया मेरे, मैं एक हफ्ते तक निर्मा के डकार मारता रहा, आप विश्वास नहीं करोगे मेरे सूसों में झाग आ रही थी। जब भी वो गाना था ना टीवी वॉशिंग पाउडर, मैं खुश हो जाता था, वाह ये मेरा ही गाना है, हर चीज मना कर रहे हैं यार ये लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने इनसे बोला पापा अच्छा कंप्यूटर ले दो, मैं कुछ पढ़ाई लिखाई कर लूंगा, कह रहे नहीं नहीं नहीं, मैंने क्यों, कह रहे उसमें तो तुम गंदी गंदी चीजें देखोगे ना, मैंने कहा आपके चार बच्चे आप गंदी हरकतें कर रहे हो हम देखे भी ना, कह रहे नहीं नहीं हम तुम्हारी उम्र के थे तो कॉपी लेके स्ट्रीट लाइट के नीचे जाके फुटपाथ पे पढ़ते थे, मैंने कहा आप किस्मत वाले थे उस समय सलमान खान बच्चा था उसे ड्राइविंग नहीं आती थी, नहीं तो सिक्स्थ आपकी आखिरी क्लास होती, अरे हमें नहीं जाना यार स्ट्रीट लाइट के नीचे, जबरदस्ती जाके बैठ जाए, कोई बैठा हो कोई जान पहचान का ही मिल जाता, अरे तुम तो गुजराल साहब के लड़के हो ना, तुम लोग गरीब हो? नहीं हम लोग चूतियां हैं, हमारे घर में छह बल्ब हैं, आठ ट्यूबलाइट हैं, लेकिन पढ़ाई में मन हमारा नाली के बगल में बैठ के लगता है, ये गटर देख रहे हैं इसकी खुशबू जाती है हमारी नसें खुल जाती हैं, तो हमें लर्न बहुत जल्दी होता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये सब रियलिटी शोज की वजह से हो रहा है मेरे घर पे, और मुझे लगता है कि इनकी जो क्रिएटिव टीम है ना रियलिटी शोज की, ये अच्छी जगह ऑडिशन देने नहीं जा रही है। अंबानियों के यहाँ जाओ कितने अमीर लोग हैं, कितना अच्छा डांस करते, देखा था शादी में पांचों नाच रहे थे, ऐसा लग रहा था आपस में गांठ लगा लेंगे एक दूसरे को नाच नाचते, ये जाए कहीं गरीब जगह रहे हैं, जैसे लगान वाला गांव नहीं था चंपानेर, भज्जर गरीबी, ईसर काका बैठे हुए हैं पानी नहीं आ रहा है, अचानक से कचरा दिखाई दिया, कचरा वो कह रहे तुम बनोगे सुपर डांसर, कह रहा भाई साहब मैं अछूत हूं यही चाहिए हमें, कह रहा सर मेरे हाथ पैर टेढ़े हैं ये डांस फॉर्म होता है तुम्हें नहीं पता, कह रहा सर मेरी शक्ल देखो कितनी गंदी है, रेमो सर जज है भाई, कोई अचानक से एक लड़की चाहिए हमें, हमें हमें एक लड़की चाहिए, अचानक से लड़की दिखाई दी बीच में खुजली कर रही बैठ के सर में जुए चेक कर रही है अपनी ऐसे ऐसे करके, बेटा तुम्हारा क्या नाम है, सुरैया बहुत ही गरीब नाम है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम तो नाम से मार दोगे ऑडियंस को यार, इसको ट्रक में बिठा भाई। मुझे लगता है और मुझे समझ नहीं आता कि जो कंटेस्टेंट है इनके सबके बाप रिक्शा चला रहे हैं क्या, इतना सामूहिक रिक्शा चल रहा है, इतनी तो इंडिया में सवारी नहीं है बहन जो, कहाँ चला रहे हैं, और जब फुटेज दिखाते हैं तो खाली रिक्शा घर के पास घुमा रहा होता उनका बाप, तो गरीबी तो आएगी जब खाली घुमाता रहेगा पूरा दिन। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे चलकर लग रहा है कि आगे चल के पता क्या हो जाएगा, ये गरीबी काल्पनिक हो जाएगी कंटेस्टेंट्स की, ऐसे ऐसे रियलिटीज हो जाएंगे, जजेस की फटी रहेगी कि बोल क्या रहा है, बंदा आएगा वो गाना गाएगा, जजेस बोलेंगे बेटा आपके फादर क्या करते हैं, अंकल मेरे पापा रिक्शा चलाते, बेटा कोई बात नहीं कईयों के चला रहे हैं, अरे गरीबी तो सुन लो उनके पैर नहीं है, जजेस की फट जाएगी फिर कैसे चला रहे बेटा,
अंकल वो हाथ से पैडल मार रहे, पागल हो गए क्या तुम्हारे पापा? हैं क्या जिद है उनकी या पैशन है रिक्शा चलाना? हैं उनसे को कोई हाथ वाले काम पकड़ ले, हैं सिलाई कर ले, बुनाई कर ले, थूक लगा के नोट गिने, गंदे इशारे करें लोगों को बैठ के, अपनी धुनी में खुद गुदगुदी करके हंसते रहे, क्या कर रही है? माँ क्या करती है? अंकल माँ बर्तन मांझती है। हाँ तो बेटा कोई बात नहीं, उनके हाथ नहीं है। बेटा फिर कैसे मांझ रही है? अंकल वो जीभ से निर्मा चाट जाती, पागल हो क्या? पागल हो गया क्या परिवार तुम्हारा? कि माँ बिल्ली है क्या? क्या बुलबुले बुलाने का काम है क्या उसका? और ये परिवार में अपने अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं है? जिसके पैर नहीं वो रिक्शा चला रहा है, जिसके हाथ नहीं वो बर्तन मांझने में लगी हुई है, और जिसकी दोनों चीज सलाम आता है वो हमारे सामने नागिन बना हुआ, तू घर क्यों नहीं जाता अपने? On that note, guys, that was it. You have been all lovely audience. My name is Harsh Gujral.